हेलो एवरीवन, देखिए अब थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। इससे जो पिछली एप्लीकेशन थी वो किसके लिए थी? होलो सिलेंडर के लिए, अब है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर कैसे होते हैं सोचो जरा, कैसे होते हैं? जैसे ये देखो, ये वाला था आपके पास होलो, ठीक है, ये वाला कैसा था? होलो। अब अगर हम इसको देखें सॉलिड कैसे बनेगा, ये देखो ये सॉलिड बन गया, देख रहे हो, पहले यहाँ से ये ओपन था, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर कुछ लगाया, ये फिल हो गया अंदर तक, ठीक है ना, पूरा का पूरा अंदर से भी भरा हुआ है। तो ये कैसा बन गया? सॉलिड सिलेंडर। मतलब क्या है, होलो क्या होता है? अंदर से खाली होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है। ये चीज़ समझो, जैसे इसको आप समझ सकते हो, जैसे स्फीयर में, स्फीयर का अगर एग्जांपल लें, जैसे एक आपके पास फुटबॉल है तो वो तो हो गई होलो, है ना, होलो होगी। और अगर एक लेदर की बॉल है क्रिकेट वाली, तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ भरा होता है अंदर तक, तो वो है सॉलिड बॉल, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं, होलो अंदर से खाली था, ठीक है, और जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है अंदर से, उसी मटेरियल से जिसका वो बना हुआ है, ठीक है। तो होलो के अंदर क्या होता था, करंट उसके सरफेस पे ही रहता था सिर्फ, ठीक है। लेकिन अब ये सॉलिड है, सॉलिड में तो पूरे सिलेंडर पे करंट होगा, ठीक है ना। सॉलिड का प्रॉपर एग्जांपल है वायर वाला, ठीक है, वायर का प्रॉपर एग्जांपल हम बोलते हैं सिलेंडर, क्या है वो सॉलिड सिलेंडर। अगर मोटी तार है पूरी, थिक है वो, तो ठीक है, ऐसे तो नहीं होता खोखली होती है अंदर से, समझ रहे, खाली तो नहीं होती वो, पूरी पूरी भरी होती है, पूरी थिक होती है। तो सॉलिड सिलेंडर को वैसे आप सोच सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर, समझ रहे हो। तो देखो जरा, एक सॉलिड सिलेंडर हम बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये मैंने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया यहाँ पर, ठीक, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ये सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, और इसका भी हम एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा फिल है अंदर में, ठीक है ना, खाली नहीं, अंदर से पूरा फिल है, ठीक है। मान लो करंट आई है, और ये एक्स है, और यहाँ पर ये वाई है, ठीक है, एक्सिस होगी, और ये वाली होगी इसकी रेडियस आर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसमें भी तीन केसेस करेंगे हम, एक तो होगा इनसाइड द सिलेंडर, एक आउटसाइड द, और एक ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनसाइड द सिलेंडर की। उससे पहले देखो, यही सब बातें यहाँ पर लिख रखी हैं जो मैंने आपको बोली है कि सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर पे ही होगा, ठीक है ना। पहले जैसे हमने कहा था होलो वाले में क्या था, सरफेस पे रहता, अंदर से खाली रहता है, ये अब अंदर से भी खाली नहीं है, भरा हुआ है, तो करंट अंदर भी होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है, यूनिफॉर्मली ओवर द होल सिलेंडर। और हमने ये जो कंसीडर किया है सॉलिड सिलेंडर, वो कितनी रेडियस का है, आर का, एंड कैरिंग करंट आई एज इन शोन इन फिगर, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है इसका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, अगर हम इनसाइड द सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मान लो ये पॉइंट पी लिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट पी पे बात करेंगे हम, ठीक है। अब अगर इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना एरिया कवर हो रहा है सिलेंडर का, अगर आप देखो, अगर मैं ये चीज़ देखूँ इस तरीके से बनाऊँ इसमें, ठीक है, इतना पार्ट ये कंसीडर होगा इसका, देखो कैसे। अब देखो करंट तो इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, पूरे में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, लेकिन हमें पी पॉइंट जहाँ लिया है इतने पार्ट का करंट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस इसका होगा इधर वाले का, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, वो कैसा बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा, और उसको हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप से क्लोज कर देंगे, और इसकी जो रेडियस है ये मान लेंगे हम स्मॉल आर है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ अगर आ रही है तो। अब देखो मेन काम क्या है, अब ये जो आई करंट है ये पूरा तो इसमें फ्लो कर रहा है, इस सिलेंडर में, पूरे के पूरे में, ठीक है, लेकिन ये इतने पार्ट में करंट आई तो नहीं है, ये तो कुछ और ही होगा, समझ रहे हो इस बात को। करंट पूरे में आई फ्लो कर रहा है, लेकिन पूरे में अगर आई फ्लो कर रहा है तो ये तो इतना सा रह गया पार्ट, इतना पार्ट रह गया अगर इसका कंसिडर करें हम, तो इसमें कितना होगा, अब देखो कितना होगा, ये चीज़ हम समझते हैं। देखो ये पूरा का पूरा मान लो कितना है, पाई आर स्क्वेयर है, ठीक है, ये कितना है, पाई आर स्क्वेयर एरिया, पाई आर स्क्वेयर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है फ्लो, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझना। और ये केस कौन सा है, इसमें आर, ये वाला आर स्मॉल है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये आर क्या है, स्मॉल है, और ये कैपिटल आर बड़ा है, क्लियर है। तो देखो इसमें मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पाई आर स्क्वेयर में कितना करंट है आपके पास, आई करंट है, ठीक है, सिलेंडर का नहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया किसका, सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे सर्कल, देखो सर्कल से मिलके ही तो एक सिलेंडर बना है, इसके एक और सर्कल बनेगा, एक और सर्कल ऐसे, ठीक है, जैसे आप कई सारी रिंग्स रख दो एक के ऊपर एक, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा एक सिलेंडर दिखाई देगा आपको, तो वही चीज़ है। तो मैं इस सर्कल का एरिया दे रहा हूँ, ना कि सिलेंडर का एरिया दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेंडर का तो एरिया क्या होता है बताओ, उसमें तो दो तरीके से होते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हम बात कर रहे, मैं यहाँ सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूँ, एक सर्कल में कितना करंट है, आई है, ठीक है। और अब आपको पूरे सिलेंडर का क्यों नहीं लिया, देखो एक सर्कल में जितना करंट होगा वही सब में होगा इधर, देखो क्योंकि एक वायर है, जैसे एक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो ये थोड़ी है कि इतने पार्ट में अलग होगा, इतने में अलग होगा, उनको जोड़ेंगे नहीं, पूरे में एक ही करंट दो, तो एक एरिया, एक सर्कल के एरिया में करंट निकाल दूँ वही सब में होगा, क्योंकि वैसे भी सोचो आप ये किस तरीके से जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है,
तो इस चीज़ को ऐसे माइंड में रखना है, कहीं को ये कन्फ्यूजन रहती है कि नहीं ये तो एक सर्कल का निकालना है हमने करंट आई, तो ये तो कई सारे सर्कल से मिलके बना है सिलेंडर तो सबका क्या होगा, तो वो सीरीज़ में ही जुड़े हुए हैं तो करंट सेम ही रहने वाला है। समझो जैसे इसका वायर का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना, एक ही करंट फ्लो करता है ना वायर में, ये थोड़ी इस जगह पर अलग करंट होगा इस जगह पर अलग होगा, सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, पाई आर स्क्वायर में अगर करंट आई है तो इस चीज़ में ऐसे लिखते हैं हम, एक में कितना होगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ऐसे करते थे हम लोग मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन। तो अब कितने एरिया में चाहिए, अब एरिया ये वाला रह गया, इस वाले एरिया, ये वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो कितना करंट बनेगा, देखो एक्चुअली में हम करंट ही निकाल रहे हैं कि इस पूरे पाई आर स्क्वायर में करंट आई है तो इतने वाले में कितना होगा, तो इतने वाले में कितना होगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई इंटू में आर स्क्वायर, ये होगा, ये इससे कट जाएगा और ये बन गया आई अपॉन में आर स्क्वायर और इधर कितना है आर स्क्वायर। तो ये जो नया करंट आया इसको मैं नाम दे देता हूँ आई डैश, ठीक है, आई डैश क्यों नाम दे रहा हूँ, ये नया करंट है इसमें जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू ये निकल गई हमारे पास। समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं, इसको देखो ऐसे समझ सकते हो जैसे आप कुछ क्वेश्चन करते थे, जैसे मान लो 10 बनाना है, ठीक है, 10 केले हैं, बनानाज हैं आपके पास, ठीक है, और ये कितने रुपये के हैं, मान लो ये हैं 50 रुपीज़ के, ठीक है, और आपको अब निकालना है 2 बनाना का रेट, तो ऐसे ही यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर में कितना करंट, इतना आपको इतने में चाहिए कितना करंट निकलेगा। तो जैसे ये 10 बनाना कितने के, 50 के, तो एक बनाना कितना का होगा 50/10, ऐसे ही करते थे हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन, तो 2 बनाना कितने के होंगे 50/10 इंटू में 2, ऐसे ही करते थे कितने के होंगे 10 रुपीज़ के होंगे, तो ऐसे हम निकालते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ निकाल रहे हैं करंट की, भाई इतने का इतना है तो इतने में कितना होगा करंट, ये निकल गया हमारे पास, इसको नाम दे दिया हमने नया आई डैश। बताओ ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं, ये क्लियर हो रही है फिर आगे चलते हैं, फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो वैसे ही है जैसे और डेरिवेशंस की आपने, ठीक है। तो अब देखो क्लियर है ना ये बात, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अब हम, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, एट पी तो वो क्या होगा आपके पास, देखो वो तो था आपके पास क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है जी, तो इसमें हम कैसे निकाल लेंगे इसको, बी डॉट डी एल इंटीग्रल, जब ये हम ये हटाते हैं इसमें डॉट वगैरह, ठीक है, ये हटा देते हैं, कितना बनता है ये कोस थीटा बनता है, बी डी एल कोस थीटा जब ओपन करते हैं, तो इसमें भी देखो ये डी एल है और इसमें भी देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनने वाला है, तो इधर से ये इनवर्ड बनेगा, इधर से आउटवर्ड बनेगा, तो ये डी एल है, डी एल की भी डायरेक्शन यही है और बी की भी यही डायरेक्शन बनेगी, तो बी की भी यही है और डी एल की भी यही है, ऐसे करते तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर पिछली एप्लीकेशन आपने की हुई हैं तो, ठीक है। तो थीटा कितना है यहाँ पर, सेम है बी और डी एल सेम डायरेक्शन है तो जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से आ गया आपके पास बी बाहर ले लेते हैं, सिर्फ डी एल बचा, समझ रहे होंगे बात को, और यहाँ ये वेक्टर में, ठीक है, इसको मान लो अभी डी एल की इंटीग्रेशन कितनी होगी बताओ, आपको बताई हुई है मैंने, आर है इसका ये रेडियस, तो स्मॉल डी एल है, ठीक है, तो बड़ा क्या होगा इसका, इसकी लेंथ सर्कल की वो क्या होती है 2πr, और ये मैंने आपको बता भी रखा कैसे करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो यहाँ पर 2πr, ठीक है, और ये क्या है आपके पास इधर बी डॉट डी एल, इस तरीके से इसको मान लो आप फर्स्ट, ठीक है, नाउ अप्लाई एम्पियर सर्कुटर लॉ, ये सब याद होगा आपको कैसे करते हैं या नहीं, बताओ क्या था एम्पियर सर्कुटर लॉ, ये कुछ कुछ वैसे ही चलता है सब कुछ, ऐसे कॉस की एप्लीकेशंस में किया था हमने, तो एम्पियर सर्कुटर लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू में म्यू नॉट आई होता है, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए हमने करंट कितना बोला है आई डैश आ रहा है, इसमें कंसीडर हो रहा है, ठीक है ना, तो आई डैश लिख दूँ यहाँ पर आई डैश, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, तो ये आ जाएगी बी 2πr इक्वल टू में म्यू नॉट आई डैश, ठीक है, आई डैश की वैल्यू आपको पता ही है, ये यहाँ पुट करते हैं म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू हो गई आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इधर है ये बी 2πr, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो बी आ जाएगा इधर और ये क्या है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर और ये 2πr इधर आ जाएगा 2πr, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला आर इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ऊपर एक आर बच गया, तो कितनी आई वैल्यू आपके पास, देखो ज़रा ये आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई आर अपॉन में ये वाला 2πr मैं आगे लिख दूँ और ये क्या है आर स्क्वायर, ये आ गई आपके पास बी की वैल्यू आ गई, बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पता चला आपको इनसाइड द सिलेंडर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें
ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर की। तो सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड इसका पार्ट है क्या, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर में देखो कैसे होगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक सिलेंडर, ये देखो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक। और इसका एक्सिस यही होगा, ये है एक्स और ये है वाई और ये करंट है आई और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर मतलब पॉइंट पी यहाँ होगा और इसकी रेडियस ये वाली आर मान लेंगे हम या नहीं बता दो। और ये वाला आर क्या इसके इक्वल होगा, तो ये कौन सा केस है, आर इक्वल टू में आर वाला केस है, समझ रहे हो बात में, ये वाली जो आर है इसके ही इक्वल है। तो देखो ज़रा अब इसमें हम क्या चीज़ चेंज करें, कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो ये जो आपके पास अभी निकला था फॉर्मूला, ठीक है, इसमें ये स्मॉल आर आया था, तो इस स्मॉल आर की जगह क्या करो, कैपिटल आर कर दो। ऐसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्मॉल आर की जगह क्या करना है हमें, कैपिटल आर कर देना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़रा अब क्या करेंगे हम, समझ रहे हो या नहीं बात को, ठीक है। अब देखो अगर इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते तो ऐसे बनता, ठीक है, और इसको एम्पीरियन लूप से आप ऐसे क्या करते, क्लोज करते, फिर ये डीएल बनता, डीएल बीएल की डायरेक्शन सेम ही रहती इस साइड में, वो चीज़ थी, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, देखो इसको बी इक्वल टू में कितना था आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर स्क्वेयर, ये तो था, यहाँ पर क्या था स्मॉल आर था, तो उस स्मॉल आर को भी आपने क्या लिख देना है, कैपिटल आर लिख देना है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक। तो कितना बन गया ये आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर, बताओ आ रहा है समझ में या नहीं, क्या आया है, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई टू पाई आर, ये आ गया किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर, क्लियर। अब देखिए केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर में देखो कैसे, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से फिल है पूरा का पूरा उसी मटेरियल से जिससे ये सिलेंडर बना हुआ है, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, करंट आई है, ये तो पता है ना करंट आई ऐसे क्यों दिखाते हैं हम, क्योंकि नॉर्मली इसमें कैसे दिखाएं, पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर है, कैसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली हमने एक एक्सिस बनाई और कहा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और पी पॉइंट अब कहाँ लेंगे हम, आउटसाइड द सिलेंडर, तो मान लो इस सेंटर से ये ले लिया हमने पी पॉइंट, ठीक है, और इसकी दूरी देखो या तो R डैश मान लो या R ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझना ये वाला R अब इससे बड़ा है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये कौन सा केस है, R जिसमें बड़ा है इस वाले R से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर P पॉइंट आपने इस तरीके से बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा इसका, ठीक है, और इसको आप क्लोज कर दोगे किससे, एम्पीरियन लूप से, फिर ये डी एल रहेगा, डी एल रहेगा तो बी की डायरेक्शन भी यही होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही चल रहा है थंब रूल के अकॉर्डिंग, और ये क्या है इधर से इनवर्ड जाएगा, इधर से आउटवर्ड, समझ रहे हो, ऐसे तो बी की डायरेक्शन भी ये रहेगी और डी एल की भी यही रहेगी, ठीक है, तो थीटा जीरो। तो बस इसमें ये बातें लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो ये चीज़ कंसीडर की है हमने लिख देते हैं यहाँ, नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर सच दैट, जो भी था ये हमारे पास आर क्या हो गया, ग्रेटर देन आर हो गया है हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाला जो आर है इसको रिप्लेस्ड कर दो किससे, इस वाले आर से, समझ रहे हो बात को या नहीं, कैसे समझ में आई बात। देखो इसमें इस वाले फॉर्मूले में ही हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई और नीचे ये टू पाई, ये वाला जो आर है इसको हम लिख देंगे ये वाला आर, ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहती है कि यहाँ पर इसमें क्यों नहीं हमने ये काम किया, जैसे यहाँ पर किया था इसको आर पुट किया था, यहाँ पर जैसे आर है तो ऐसे ही आर रहने देते हैं वहाँ पर भी, समझ रहे हो, जैसे इस वाले पार्ट में तो हमने क्या किया था, उस आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया था, रेडियस बराबर थी, यहाँ पर तो ये ग्रेटर है या इसका कुछ और नाम देकर आर डैश देकर यहाँ आर की जगह आर डैश लिख देते हैं, ये चीज़ आती नहीं आती। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो जब ये वाले सर्कल में हम ले रहे थे तो ये स्मॉल आर था, तो उसी की वजह से हमने ये निकाला था, है ना, पाई आर स्क्वायर में कितना करंट आ रहा है, ठीक है, और फिर जब हमने डायरेक्ट यहाँ पर इस आर को चेंज कर दिया था, तो ये आर क्यों चेंज किया था हमने यहाँ पर, देखो अब पूरे पाई आर स्क्वायर के लिए बात हो रही थी क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है पाई आर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर में, तो यहाँ पर देखो आप अगर मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर ही लिखता कैपिटल आर का, तो यहाँ भी कैपिटल आर ही आता, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता और पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो आई ही बचता, समझ रहे हो इस बात को या नहीं, जैसे यहाँ पर भी ये चीज़ हुई, ठीक है, हमने क्या किया इस R की जगह कैपिटल R रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये वाला जो स्मॉल R है ये अब किसके इक्वल है, कैपिटल R के ही इक्वल था, समझ रहे हो आप बात को इस चीज़ को,
ये वाला जो आर था यहाँ पर देखो, ये वाला जो आर लिया हमने, ये इसके इक्वल है तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन अब जो इस केस में हो रहा है, इस केस में यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं चीज़ें को पुट कर सकते आर डैश। क्यों मैं आर डैश नहीं लिख सकता, अगर ये मैं आर डैश लिखता यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको अलग लगे, तो आर डैश यहाँ क्यों नहीं लिख सकता था? क्योंकि जो करंट है, देखो करंट तो इतने पार्ट में ही घूम रहा है ना, जो ये वाली आर है, समझ रहे हो, इस वाली आर में ही घूम रहा है, इस वाली यहाँ तक की आर में थोड़ी करंट घूम रहा है, क्योंकि ये वाला आर कहाँ से आ रहा था यहाँ पर, इसकी वजह से आ रहा था, इस वाले फॉर्मूले में आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो आर था ये किसका था, उस करंट वाले सर्कल का, समझ रहे हो इस बात, इस वजह से ही हमने जब ये वाला किया तो इसमें भी करंट वाले सर्कल में ऑब्वियस ही बात है पूरा आर ही कंसिडर हो रहा था, तो हमने पुट कर दिया था। लेकिन अब है ये आर डैश या आर जो है ये बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी करंट फ्लो कर रहा है अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि आर मैंने आपको बताया करंट वाला आर था जो करंट निकला था, तो इसमें कैसे करेंगे हम? तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा आपके पास, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है वो तो यही वाला चल रहा है ना, यही वाला चल रहा है, समझ रहे हो, तो वही वाला करंट हमने ले लिया। अगर करंट यही चल रहा है ना सेम, तो यही तरीके से करेंगे या नहीं? अगर करंट ये सेम चल रहा है, पूरे में थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि यही वाला केस बनेगा इसका भी, तो यहाँ पर बस इस आर को रिप्लेस कर दो किससे, ये वाले आर से, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इसको यार अलग से आप करके दिखा सकते हो। देखो कैसे, देखो इस सर्कल में अगर आप देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बी डॉट डी एल इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या बनेगा, बी डी एल कॉस थीटा, और इसमें भी क्या रहने वाला है, डी एल और बी सेम ही है, तो थीटा ज़ीरो और कॉस ज़ीरो वन होता है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल, ठीक है, कॉस ज़ीरो वन हो गया, तो ये बी और डी एल कितना बनेगा यहाँ पर, टू पाई आर, ये वाला आर आएगा, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो रही है ना इस वाले सर्कल की, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होना, ये आर से कहीं समझो ये वाला आर है, समझ रहे हो, नॉर्मली समझो बात को कि क्या कह रहा हूँ, और ये बी डॉट डी एल आ गया, ठीक है। अब क्या करो इसमें, एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाओ, तो ये फर्स्ट हो गया एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्या कहता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और इसमें करंट आई ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इतना पार्ट तो कंसिडर हो रहा है, पूरे के पूरे में कितना है, आई है, अब ये इतना पार्ट थोड़ी कंसिडर कर लूँगा, यहाँ तो कुछ थोड़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है जिस पॉइंट पी पे लिया है हमने, करंट तो इतना ही फ्लो कर रहा है, तो इसको आई ही रखूँगा यहाँ पर, कुछ और नहीं होगा करंट कहीं, सोचो बाहर है तो करंट अलग होगा, अब नहीं, ये तो पूरा ही रहेगा, आई करंट ही है, ठीक है। इनसाइड में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनसाइड में उतना पार्ट कंसिडर हो रहा था उस सिलेंडर का, तब हमें करंट निकालना पड़ा, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो आप सेम क्या करेंगे इनको, ये सेकंड होगी, इस तरीके से भी कर सकते हो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर नहीं समझ में आ रही है उधर बात की क्या कह रहा था मैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, बी टू पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर, ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, और इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर क्या करो इसको, ये वाला आर ही रिप्लेस कर दो ये वाले से, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो इसके लिए भी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वही है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कहाँ ज़्यादा कम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी तीन रीजन ही होंगे डिवाइड, जैसे होलो में किए थे हमने, क्यों, क्योंकि इसके भी तीन पार्ट हैं, एक इनसाइड द सिलेंडर, एक कौन सा है आपके पास ऑन द सरफेस, और एक आउटसाइड, ठीक है। तो देखो अब अगर आप देख रहे हो इनसाइड द जो सिलेंडर है, इनसाइड द सिलेंडर में यहाँ देखो ज़रा, ये वाली जो आर है ये क्या है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर तक जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्यों, करंट भी बढ़ता जाएगा, ऐसे सर्कल बढ़ते जाएंगे इसके, तो ये सिलेंडर का भी सर्कल बढ़ता जा रहा है, और ये क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, और वैसे भी यहाँ से देख लो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्मॉल आर, समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये बी की है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है बी मैक्सिमम, ठीक है, तो ये हम एक पार्ट इसका कंसिडर करते हैं, इनसाइड वाला, इनसाइड में क्या है, ये वाला आर छोटा है, ठीक है, और एक करते हैं हम आर इक्वल टू आर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे, और इस पे क्या हो रहेगी, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम का केस पहले बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब बात करेंगे सिर्फ इनसाइड की और आउटसाइड की, ठीक है। अब इनसाइड और आउटसाइड में क्या हो रहा है, देखो इनसाइड वाला तो हमें पता चल गया, धीरे धीरे जैसे ऑन द सरफेस ऑफ सेंटर तक आएंगे बढ़ती रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बिल्कुल इसमें स्ट्रेट लाइन हम ये कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है, इसको मानना स्ट्रेट है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, बी मैक्सिमम। और जो अब केस है वो कौन सा है, आउटसाइड, आउटसाइड में क्या हो रहा है, ये वाला आर बड़ा हो रहा है कैपिटल आर से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, अगर देखें यहाँ से, देखो ये बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये वैसे ही पता है आपको, जैसे जैसे सरफेस से आप दूर जाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम ही होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हो बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसमें क्या होगी, ये थोड़ी सी कर्व लाइन आएगी इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आर बढ़ रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तेजी से कम होता जा रहा है, और ऐसे करते करते बहुत दूर चला जाएगा तो जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसमें भी वही बात है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं डालनी है यहाँ से ऐसे, ठीक है, क्योंकि और भी फैक्टर है, नहीं तो बच्चे सोचते हैं इन्वर्सली है और सिंगल आ रहा है, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर में ऐसी बढ़ती हैं लाइनें, लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसे बने। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस तरीके की कर्व बनती है, तो यहाँ पर ऐसी कर्व बनाई है, और ये वाली क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और ये क्या है कर्व्ड आएगी इस तरीके से, और ऑन द सरफेस क्या रहेगा मैक्सिमम, यानी कि इनसाइड में क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जितना जितना आप जाओगे सरफेस तक बढ़ता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैक्सिमम रहेगा ऑन द सरफेस पे, फिर ऑन द सरफेस पे क्या होगा जब आप आउटसाइड में जाओगे तो धीरे धीरे ये कम होता रहेगा। जैसे यहाँ से आप इस चीज़ को समझो, इनसाइड में यहाँ से चले बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा यहाँ मैक्सिमम, फिर इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो ये कम होता चला जाएगा, समझ रहे हो चीज़ों को, इस तरीके से ये बनाना है आपको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। मेन है बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है कहानी, क्लियर, ओके ओके जी, थैंक यू।